हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आप लोग टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि ये कंपनी में दोस्तों 3 महीने में वर्करों को अपने घर मुल्क वापस भेजती है और अप एंड डाउन का टिकट भी देती है, लिप सैलरी भी देती है। तो कौन सा कंपनी है दोस्तों, प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं अपने वर्कर भाई के लिए लेकर आते रहता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो ये कंपनी के बारे में जानकारी बहुत सारे मेरे वर्कर भाई ने पूछ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ और ये रियल जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? ऐसे नहीं, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे, ऑलरेडी खुद दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जो देख रहा हूँ वही जस्ट आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि सबसे पहले जो कंपनी का नाम, क्योंकि कंपनी का नाम अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो सारा चीज़ उसमें आ जाएगा, आप उससे उसमें जानकारी भी ले सकते हो, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और उसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके ईमेल आईडी पे अपना सीवी भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर उन लोग को इमीडिएटली ज़रूरत है तो उन लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सीवी में दोस्तों, जब भी आप सीवी लेटर बनाते हो तो उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दिया करो, ताकि उन लोग अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े मैनुअली तो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो कंपनी का नाम है दोस्तों वो है जिस्को, ठीक है? जिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें 5 से 7 हज़ार वर्कर यहाँ पे काम करते हैं दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर पर्सनली ये कंपनी है जो दुबई की राजधानी है, ठीक है? तो ये जिस्को जो कंपनी है तो क्या करती है दोस्तों, कि बिल्डिंग लाइन बनाती है, तो बिल्डिंग लाइन में जो बनाने वाली जो वर्कर है उन लोगों को तो इस तरह का सुविधा नहीं मिलता है, जो दुबई लेबर लॉ के हिसाब से वही सुविधा मिलता है। बट ये क्या करती है कि आयरलैंड में काम पकड़ती है, जैसे टापू वगैरह पे जहाँ पे पेट्रोल वगैरह जो निकलता है दोस्तों, तो वहाँ पे गवर्नमेंट से ये काम पकड़ती है बीच टापू में। तो जो टापू में काम करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए ये रूल है कि आपको 3 महीने में, ठीक है, आपको वहाँ से जाना ही पड़ेगा, वो अपने कंट्री 1 महीने के लिए छुट्टी देगी, ठीक है? 3 महीने में 1 महीने के लिए छुट्टी देगी, और आने जाने का दोस्तों दोनों साइड का टिकट भी देगी, और आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा लिप सैलरी भी देगी। लिप सैलरी बोलो दोस्तों, तो जितनी आपकी सैलरी, मान ली बेसिक आपको 1500 दरम है, तो 1500 दरम आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, अप एंड डाउन का टिकट मिलेगी ही, आप 1 महीना घर पे अच्छे से रहकर आ सकते हो। इसलिए क्योंकि टापू पर रहते रहते दोस्तों अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बहुत तरह का मतलब माइंड, क्योंकि यहाँ पर आप रह रहे हो तो कहीं पर भी घूम सकते हो, जा सकते हो, बट वहाँ पर टापू पर क्या होता है कि आप एक ही मतलब एक काम के सिस्टम में ही रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको एनी टाइम काम ही करना पड़ेगा, वहाँ 8-10 घंटा ड्यूटी है, बट आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, आप घूम फिर नहीं सकते हो। इसलिए दोस्तों सारे वर्करों को ये कंपनी क्या करती है कि अपने कंट्री वापस भेजती है, फिर वापस उसे बुला लेती है अपने तरफ से टिकट देके। तो ये कंपनी के बारे में मेरे पास जो नॉलेज था दोस्तों, मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, और कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।